ये है गढ़वा नगर परिषद का वार्ड नंबर 1 यानी उचरी मोहल्ला। आप जो ये इमारतें देख रहे हैं, कभी यहाँ हिंदू समाज का शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन आज ये जगह घनी आबादी वाली जगह बन चुकी है। कहीं मकान बन गए हैं तो कहीं मकान का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बगल में मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल भी है, लेकिन भूमाफियाओं की करतूत तो देखिए। यहाँ उचरी वार्ड संख्या 1 में 1 एकड़ 31 डिसमिल भूमि को ही बेच दिया गया। भूमाफियाओं का यह खेल वर्ष 2003 से लेकर 16 तक चलता रहा, जहां एक ही विशेष समुदाय के 16 लोगों को यह करोड़ों की भूमि अंचल कर्मियों के साठ गांठ से दे दिया गया। यहाँ सरकारी रजिस्टर से भी छेड़छाड़ की गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि पहले यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हुआ करती थी, जिसमें शमशान घाट था। आज यह जमीन अंचल कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन को ही बेच दिया गया। अंचल अधिकारियों ने कहा कि यह मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत कागजात की जांच की तो मामला सही पाया गया, जहां शमशान की भूमि को अंचल कर्मियों की मिलीभगत से बेच दिया गया है। इस मामले में जमीन की जमाबंदी खारिज करने के लिए 16 लोगों का नाम वरीय अधिकारियों के पास भेजा गया। जैसे ही कार्रवाई का आदेश आएगा, वहां से तुरंत अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी अंचल कर्मी इनमें दोषी पाए जाएंगे, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा में भूमाफियाओं का काला खेल अंचल कर्मियों के मिलीभगत से ही हुआ है। बहरहाल अब देखना ये बेहद खास होगा कि कार्रवाई आखिर कब तक होती है। गढ़वा से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। शमशान भूमि को लोग गलत तरीके से सब लिखवा लिए हैं, क्या कहें भूमाफिया लोग, क्या कहें? पहले की ही घटना है, हमको जैसे ही संज्ञान में आया, हमने पाया कि 2003-04 से लेके 16-17 तक की अवधि में कुछ केवाला किए गए, उसका म्यूटेशन भी कर दिया गया और वो जमीन प्रारंभिक रूप से गर्मजरुआ मालिक की है, जिसका उपयोग पूर्व में लोग शमशान घाट के रूप में करते थे। इतने दिनों में पता नहीं क्यों लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लाया, मेरे संज्ञान में जैसे ही लाया, मैंने उसकी तहकीकात किया और जितनी भी जमाबंदी इस पर कायम की गई है, सभी जमाबंदियों की जांच करते हुए उसको खारिज करने के लिए अनुशंसा हमने किया है, DCLR को अभिलेख भेजा गया है। जैसे ही इनकी जमाबंदी खारिज होती है, वो सारी ज़मीनें सरकार अपने कब्जे में लेगी और पुनः जैसे पहले प्रयोग होता था लोगों को शमशान घाट के लिए, वैसे शमशान घाट के लिए वो प्रयोग होगा। कंस्ट्रक्शन लोग कर दिए, बहुत लोग मकान बना दिए सर, वो सारे अतिक्रमण के दायरे में आएगा और उसको तोड़कर हटा दिया जाएगा। लोगों का है 16 लोगों की जमाबंदी पाई गई, 16 आदमी की जमाबंदी पाई गई। कुछ कर्मी भी शामिल होंगे इसमें, इस कार्य में? बेहद जब ये जांच हो रही है तो इसमें कर्मी संलिप्त है, उन पर भी कार्रवाई होगी। आखिर जो रजिस्टर से जो छेड़छाड़ किया गया, आखिर पैसे क्या होगा? वो सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई है वरीय पदाधिकारी को और संज्ञान में है वरीय पदाधिकारी को, वरीय पदाधिकारी जैसे ही निर्देश देते हैं उन कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। मैं यही बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि उचरी जो खाता 62 प्लॉट 457 प्लॉट है, वहाँ पर हिंदू धर्म के आज से नहीं सैकड़ों बरस से वहाँ दाह संस्कार किया जाता है, मुरघटिया के नाम से जाना जाता है। हम लोग भी जब से होश हवास संभाले हैं तब से वहीं जाते आते हैं, देखते हैं जो भी दाह संस्कार करना रहता है। लेकिन इधर बीच में पता चला कि कुछ भूमाफिया द्वारा और अंचलाधिकारी के द्वारा मिली भगत के कारण गलत डिमांड खुलवाकर उस शमशान घाट के जमीन के पार्ट बाई पार्ट करके बिक्री नामा किया गया, तो हम लोग के जानकारी मिला तो हम लोग सारे जनता एकजुट होकर और आवेदन लेकर 200-300 आदमी का साइन कर हम लोग CO के पास गए और उसको आगे बढ़ाने का हमने काम किया, जिस पर कार्रवाई अभी जाँच चल ही रही है। क्या नाम हुआ? विनोद प्रसाद। NBC 24, सच की ताकत।